आज बात करेंगे हम गरवारे हाईटेक फिल्म्स के बारे में। ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ही बना रही हूँ। कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है, कंपनी जो है क्या कुछ नया कर रही है जिसकी वजह से ये स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, इन सब की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के काम को समझ लेते हैं। कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हाई क्वालिटी ड्यूरेबल हाई टेंसाइल और पॉलिएस्टर फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसे इंटरनेशनली सप्लाई भी करती है। पूरे 80 से ज़्यादा देशों में इसकी रीच है, यानी कि आपको ये समझना है कंपनी जो है वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है। दूसरी तरफ ही 1933 में है ना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो कंपनी का जो बिजनेस था वो कार को इम्पोर्ट करने का था, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्लास्टिक की मोल्डिंग स्टार्ट करी। प्लास्टिक मोल्डिंग के साथ ही इन्होंने एक्सट्रूशन बिजनेस में भी कदम रखा। लेकिन उसके बाद जब इस कंपनी ने इतने सारे काम किए ना, तो इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई पॉलिएस्टर फिल्म मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो इन्होंने इस बिजनेस में भी कदम रखा। अब ये बिजनेस इनका काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो देखो वीडियो में ना पूरा देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है कि देखो कंपनी के बारे में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं कंपनी के सिर्फ उन मेन मुद्दों की बात करूँगी। मैं कोई पास्ट की बात नहीं करूँगी, तो आपको ये समझना है मैं उन मेन मुद्दों की बात करूँगी जो कि कंपनी को फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बना रही है। जैसा कि मैं हमेशा डिटेल एनालिसिस की वीडियो में बात करती हूँ किसी भी कंपनी की, कि कंपनी को फ्यूचर किस चीज़ से ब्राइट होता हुआ हम देख सकते हैं, उन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली। तो अब ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बताने वाली हूं। कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो कंपनी जो है चार चीज़ों पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है। सबसे पहले कंपनी जो है अनलॉक करने की कोशिश कर रही है हाई मार्जिन की जो स्पेशलिटी फिल्म्स होती हैं उनकी तरफ। दूसरी तरफ ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की पर भी ध्यान दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी ग्लोबल रीच को बढ़ा रहे हैं। और चौथी चीज़ ये है कि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है इनकी, उसमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ये लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं अब आगे। तो अब वीडियो में जितनी भी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ वो इन चार पॉइंटों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो ये चार पॉइंट आपको पूरी वीडियो देखते वक्त अपने दिमाग में ज़रूर रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई मार्जिन स्पेशलिटी फिल्म की अगर हम बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमोबाइल्स में और आपके FMCG में और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सभी जगह होती है। और ये लोग काफ़ी हद तक कैपेबल है एक तरीके के स्पेशलिटी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ पर तीन तरीके के प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं, सन कंट्रोल फिल्म्स, दूसरा है PPF मतलब पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तीसरा है श्रिंक फिल्म्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ बना रहे हैं। यही मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की इन्होंने बात करी तो उसके बारे में बता दूं, इनके पास दो कैपेसिटी है, एक IPD और दूसरी CPD। तो IPD में जो इनकी कैपेसिटी है वो 42,000 मैट्रिक टन पर एनम है और जो CPD है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 4,500 LSF पर एनम। यही हम ग्लोबल रीच की बात करें, कंपनी ने ग्लोबल रीच को बढ़ाने की बात करी है तो कंपनी की अब जो एस्टेब्लिश्ड सेल्स है वो 90 प्लस कंट्रीज में है और काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हैं इनके पास पार्टनर, तो ये कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रहे हैं। कंपनी ने चौथी चीज़ ये बोली है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर ये लोग ध्यान दे रहे हैं अपनी। तो जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि हाई मार्जिन स्पेशलिटी फिल्म की तरफ ये लोग फोकस कर रहे हैं अब, तो इससे मार्जिन तो इनके बढ़ ही रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एक अच्छा कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है और कंपनी जो है पूरी तरीके से डेट फ्री हो गई है। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करें ना, तो कंपनी का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो 70% जो है एक्सपोर्ट से हुआ है। ये चीज़ आपको समझनी है, तो ये एक बड़ी बात है कंपनी के लिए अपने आप में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो बिजनेस हुआ है ना वो नॉर्थ अमेरिका से हुआ है 33%। यहीं हम इंडिया की बात करें और तो ये बिजनेस जो है 32.9% हुआ है इंडिया से। यहीं एशिया की बात करें और इंडिया को छोड़ देना, उसमें तो 20% बिजनेस इनका वहाँ से भी हुआ है, यूरोप से 11% बिजनेस हुआ है, कुछ कुछ परसेंट अलग अलग जगह से भी हुआ है। तो ये चीज आपको समझनी है कि एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है इनके लिए। वहीं दूसरी तरफ हम बताया है कंपनी ने कि कंपनी ने जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बिजनेस में एंट्री ली ना, तो इनके जो मार्जिन से और जो इनकी रेवेन्यू था उसमें एक अच्छी रिकवरी इनको देखने को मिली। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंपनी का यही मतलब है सन कंट्रोल फिल्म, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म और श्रिंक फिल्म की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये इन्हें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो कंपनी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 17 की बात कर रहे हैं कि इनका कहना है फाइनेंशियल ईयर 17 में ये लोग कमोडिटी प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दोनों में डील करते थे। तो जो कमोडिटी के प्रोडक्ट थे वो 48% पर स्टैंड करते थे और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थे वो
52% पर स्टैंड करते थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर कुछ चेंज हुई और ये जो रेशो हो गया इनका वो कितना हो गया, 27% कमोडिटी का हो गया और 73% जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का हो गया। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट था इनके लिए। यही अब फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें ना, तो कंपनी का जो कमोडिटी प्रोडक्ट है वो सिर्फ 20% पर स्टैंड करते हैं, जबकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो 80% पर स्टैंड करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अब एक चीज़ और है इसमें कि इसमें ये समझना है, देखो इंडिया में जो मार्केट शेयर है ना वो 60% है इनका, और यही 90% जो सन कंट्रोल फिल्म्स है ना, ये 90% सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो एक चीज़ और है कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेसिटी है इनके पास सन कंट्रोल फिल्म्स की, ये चीज़ आपको समझने की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को भी ये 72% सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा अचीवमेंट है। और यहीं आपको एक चीज़ और समझने की है, देखो 2017 में जैसे कि इन्होंने बात करी कमोडिटी प्रोडक्ट की और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, तो 2018 में इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो है कंपनी के रेवेन्यू में मार्जिन्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इन्होंने जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये जो इनकी सन कंट्रोल फिल्म्स हैं, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स हैं और जो श्रिंक फिल्म्स हैं ना, ये सभी जो है आपको समझना है कि एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं अदर्स से। तो ये एक पकड़ने वाली चीज़ है कि कंपनी ने इन चीज़ों पर फोकस किया है और आगे भी ये लोगों का यही टारगेट है। और आपको समझना ये है कि कंपनी आने वाले टाइम में भी कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कंपनी लेकर आ सकती है, कंपनी के पास उस तरीके की फैसिलिटी भी है। देखो कंपनी के स्ट्रेटेजिक रोडमैप की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है अब फोकस करेगी अपने R&D पर टू इंट्रोड्यूस न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ये एक चीज़ है। कंपनी ग्लोबल रीच को बढ़ाएगी, कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी और एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड चिप्स टू सन कंट्रोल फिल्म्स की भी मैन्युफैक्चरिंग पर ये लोग फोकस करेंगे, जिसके बाद इनके पास जो है एक वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होगी और एक जो है कस्टमाइज्ड ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होंगे, जो कि फ्यूचर में इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज साबित होगी ये इनके लिए। तो ये एक समझने की चीज़ है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर है ना कंपनी के अगर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे ना, तो कंपनी जो है एक प्रीमियम लीडिंग ब्रांड है, एक तरीके से मोनोपोली भी कह सकते हो आप इसको। यहीं पर एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इनके पास है, एक क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग ये लोग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से डिफरेंशिएटेड है। ये कंपनी को कहीं ना कहीं मजबूत बना रहे हैं कॉम्पिटिटर से फ्यूचर के लिए, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की बात कर लेते हैं, तो कंपनी की अभी करंट में जो सन कंट्रोल फिल्म्स के लिए जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4200 LSF पर एनम है, लेकिन अभी ये लोग इसका 80% ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के मुताबिक अगर इसके एक्सपेंशन की बात करें तो सन कंट्रोल फिल्म्स में ये लोग अभी फाइनेंशियल ईयर 23 का जो Q3 आएगा ना, उसमें ये लोग 1800 LSF पर एनम लेमिनेशन फैसिलिटी को भी कमीशनड कर देंगे। यहीं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की बात करें तो 2021 में इन्होंने 300 LSF पर एनम के हिसाब से इसका कमीशन किया था इस चीज़ को, लेकिन अभी ये लोग इसका 50% ही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो अभी इनका ये फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसके लिए इनका कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है, क्योंकि अभी जब हो सकता है कि जब ये लोग इसके फुल यूटिलाइजेशन करेंगे इस कैपेसिटी का, तो ये लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। यहीं कंपनी जो है 8-10% US में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो आपको इस चीज़ को नहीं मिलना है, जो कंपनी है अब वो B2C मॉडल पर काम करेगी, ये हल्के में मत लो इस चीज़ को आप, क्योंकि जो B2C मॉडल पर काम करेगी इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी न्यू प्रोडक्ट आएंगे तो वो B2C मॉडल की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ आपको समझनी है। यहीं हम इनके करंट नेटवर्क की बात करें तो 65 चैनल पार्टनर हैं इनके अभी, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर का जो टारगेट है इनका वो ये है कि लोग 200 चैनल पार्टनर बना लेंगे। और यहीं हम OEMs नेटवर्क डीलरशिप की बात करें तो अभी करंट में 100 डीलरशिप है इनके, और फ्यूचर में नेक्स्ट 2 ईयर का जो टारगेट है ये 500 डीलरशिप का लेके चल रहे हैं। तो ये कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रहे हैं फ्यूचर के लिए। और जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना नेटवर्क के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से बता रही हूँ। अब यहीं हम श्रिंक फिल्म की बात करें ना, तो 60% मार्केट शेयर है इनका इंडिया में और
14% जो रेवेन्यू इनका आया है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में वो शिंक फिल्म से ही आया है। टोटल अभी करंट में 12 वेरिएंट्स हैं इनके, और फ्यूचर डिमांड की बात करें ना तो पूरे 5.4% की ग्रोथ इसमें देखी जा सकती है। और सबसे बड़ा श्रिंक फिल्म का जो बेनिफिट है ना वो ये है कि इन्हें रिसाइकल भी किया जा सकता है, तो ये चीज़ें कंपनी को है ना फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बना रही हैं। आप अगर इसको देखो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, उसके मतलब ढूंढने की कोशिश करोगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सुनो मत, इसके पीछे जो एनालिसिस है ना उसको समझने की कोशिश करो, तो ये कंपनी को फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बना रही है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी जो है अब इंटीग्रेटेड चिप्स टू सन कंट्रोल फिल्म्स पर भी फोकस करेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, तो इसकी जो कैपेसिटी है कंपनी की वो अभी 66,000 मैट्रिक टन पर एनम है, और कंपनी के पास इसके साथ ही R&D डिपार्टमेंट भी है जिसमें कि 50 लोग काम कर रहे हैं। कंपनी के पास TPM एक्सीलेंस कैटेगरी का अवार्ड भी है JIPM से, ये भी एक बड़ी बात है। कंपनी की 168 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं और 9 रजिस्टर्ड पेटेंट जो हैं अभी पेंडिंग है, तो ये चीज़ें कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रही है। यहीं कंपनी के कैपेक्स की बात करें तो 2021 में कंपनी ने कैपेक्स डिसाइड किया था 270 करोड़ रुपए का, जो कि कंपनी को दो स्लॉट में यूज करना था, तो जो 135 करोड़ रुपए थे वो इन्होंने तब यूज कर लिए जब इन्होंने PPF को इंट्रोड्यूस किया था 2021 में। यहीं अब ये लोग बाकी 135 करोड़ जो है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना क्वार्टर थ्री के फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर थ्री में जो 1800 LSF लैमिनेटेशन विंडो लाइन के लिए जो लोग यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए ये लोग यूज़ करेंगे 135 करोड़। यहीं कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में ना A1+ कर दी गई है, तो ये चीज़ कंपनी के लिए काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें हैं। और कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट में ना ये चीज़ अनाउंस भी कर दी है कि कंपनी ने पूरी तरीके से 135 करोड़ जो कि सेकंड स्लॉट था इनका लेमिनेटेड जो विंडो लाइन फिल्म के लिए ये लोग यूज़ करने वाले थे उसका फुल यूटिलाइजेशन भी कर लिया है। तो आपको इसका मतलब ये समझना है कि क्वार्टर थ्री तक ये लोग उस चीज़ को जो है कमीशनड कर देंगे। कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की ना तो ये बताया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सन कंट्रोल फिल्म्स का जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है ये लोग 80% ही कर रहे थे, लेकिन अब क्वार्टर वन में इन्होंने ये बताया है कि जो कैपेसिटी वन है उसका इन्होंने फुल यूटिलाइजेशन किया है सन कंट्रोल फिल्म्स के लिए, और जो कैपेसिटी टू है उसका भी 18 से 24 महीने में नेक्स्ट फुल यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो ये कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रहा है आगे के लिए, ये आपको समझना है यहाँ पर। यहीं इनके नेटवर्क एक्सपेंशन की जो उन्होंने बात करी थी कि इनके जो करंट में 65 चैनल पार्टनर थे और ये लोग टारगेट कर रहे थे 200 चैनल पार्टनर को, तो अब ये जो क्वार्टर वन में इन्होंने अपडेट किया है कि ये अब 87 हो गए हैं 65 से बढ़कर, और नेक्स्ट 2 ईयर का टारगेट है इनका पूरा कितना 200 चैनल पार्टनर का, ये चीज़ आपको समझनी है। यहीं हम OEMs डीलर नेटवर्क डीलरशिप की बात करें तो यहाँ पर भी इनके जो 100 डीलरशिप थी इनकी चैनल पार्टनर की, अब ये जो है टारगेट कर रहे थे 500 नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, अब ये बढ़कर 350 हो गई हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। 100 से सीधे 350 पर पहुँच चुके हैं ये लोग, तो कंपनी है ना सही दिशा में काम कर रही है, जिस तरीके से कैपेक्स कंपनी ने डिसाइड किया उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिए, तो ये पॉइंट्स है ना कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रहे हैं। और आपको बता दूं क्वार्टर वन में इन्होंने ये भी बताया है कि सन कंट्रोल फिल्म्स का एक न्यू प्रोडक्ट सेफ्टी ग्लेजिंग मटेरियल भी इन्होंने जो है लॉन्च किया है, तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर कि ये सारे पॉइंट वो हैं जो कंपनी को फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बना रहे हैं। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर छोड़ दोगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आप एक बेहतर डिसीज़न अपने लिए ले पाओगे, ये चीज़ आपको समझिए। देखो ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाई है, इसे किसी भी तरीके की टारगेट वाली या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना इस वीडियो को, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेना है आपको, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो इस तरीके से है कि अभी मेरे ख्याल से 1400 कुछ इसका स्टॉक का प्राइस चला, पिछले 2-3 दिन में इस स्टॉक ने काफी तेजी भी दिखाई है, मेरे ख्याल से जो इनके क्वार्टर थ्री के वो क्वार्टर टू के रिजल्ट आने वाले हैं शायद ये उसी का थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और किसी बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है तो कुछ चीज़ों को देखकर ही बढ़ाया है, इसकी ग्लोबल डिमांड भी बढ़ने वाली है फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। B2C मॉडल पर कंपनी काम कर रही है, R&D पर काम कर रही है, ये कंपनी को स्ट्रांग बना रही है, एक्सपेंशन प्लान कंपनी के पास है, कैपेक्स का सही यूटिलाइजेशन कंपनी कर रही है, तो ये कंपनी स्ट्रांग बन रही है। अब बाकी जो आपके साथ जो आपके पैसे से जुड़ी हुई
रिस्क और कैपेबिलिटीज हैं उनको आप ही बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अभी ये स्टॉक है ना यहाँ से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसके प्राइस में हमें देखने को मिली है, तो इसमें एक बार में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि इसको आपको अपने अमाउंट को दो स्लॉट में ज़रूर डिवाइड करना चाहिए, दो बार में अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, एक स्लॉट में अपनी इन्वेस्टमेंट को मत करना। तो ये मेरा एक तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहना है आपसे। बाकी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ले सकते हो। देखो मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो तो प्लीज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझकर, अपनी मनी मैनेजमेंट को समझकर, अपनी रिस्क कैपेबिलिटीज़ को समझकर ही अपनी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो बहुत से लोग हैं ना वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक है ना हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है वीडियो को और ज़्यादा आगे के लिए इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। और अगर आप किसी स्टॉक पर एक अच्छी एनालिसिस मुझसे चाहते हो, मुझे उसमें कुछ अच्छा व्यू नज़र आएगा तो मैं उसके बारे में आपके साथ अपना व्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।